Start 2-1, boost ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way. Hello everyone, आज हम लोग बात करेंगे इसरो के कुछ अपकमिंग मिशंस के बारे में जो वो स्पेस के लिए करने वाला है। इसरो हमें सभी को पता है कि इंडियन जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हालांकि ये इसका फुल फॉर्म नहीं है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बट ये गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिया का अपना है और ये विश्व का पूरे वर्ल्ड के सभी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन में फोर्थ रैंक पे आता है। और इसका बजट जो है वो बहुत कम है। नासा चाइनीज जो है, ESA है, कैनेडियन है और सोवियत यूनियन के जो हैं, इन सभी से बहुत कम बजट होने के बावजूद फोर्थ रैंक पे है हमारा इसरो। तो हम बात करेंगे आज इसरो के कुछ अपकमिंग मिशंस के बारे में जिनको हम बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब तो नहीं करेंगे, बस एक ब्रीफ इंट्रो देंगे। तो सबसे पहला जो हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं इसरो के, वो है आदित्य L1, जिसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो इसी साल 2023 में फरवरी तक लॉन्च किया जाएगा। हालांकि हमें पता है कि ये गवर्नमेंटल है और वो भी इंडियन गवर्नमेंट का है, तो एक्सपेक्टेड डेट से तो कुछ होने वाला है नहीं। फिर भी हम ये उम्मीद करते हैं कि आदित्य L1 जो है वो फरवरी में लॉन्च कर दिया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जैसा इसके नाम से पता चल रहा है, आदित्य सूर्य को या सन को हिंदी में ही कहते हैं। आदित्य सूर्य का पर्यायवाची है आदित्य, तो आदित्य के लिए अगर कोई यानी कि सन तक जाने वाला जो सैटेलाइट है या जो कुछ भी जा रहा है वो है आदित्य L1। ये सूरज के यानी कि सन के सोलर क्रोनोग्राफ, कोरोना लेयर्स को, क्रोमोस्फीयर्स को स्टडी करने के लिए बनाया जा रहा है, जो कि और ये जो स्टडी करेगा ये नियर यूवी रेडिएशंस और एक्सरेज के थ्रू करेगा। तो इसे यहाँ से सन तक भेजा जाएगा, जैसे कि नासा का भी सोलर प्रोब जो गया, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था कि जो कि पहुँच भी चुका सूरज तक आज से 5-6 महीने पहले ही, तो अब ये जाने की तैयारी कर रहे हैं वहाँ तक, यानी सूरज तक जाने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे हमें और भी सारी चीज़ें पता चलेंगी, जैसे कि कब वहाँ से सोलर फ्लेयर्स आएंगे, जिससे हमारे कोई अगर ऑर्बिट्स मार्स ऑर्बिट पे जो हमारे भेजा जा रहा था मंगलयान 1, तो आपको पता होगा कि सोलर फ्लेयर्स की वजह से हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई थी, तो इन सारी चीज़ों को भी हम पता कर पाएंगे। और सन को एकदम करीब से, यानी कि जो आउटर लेयर होता है ना सन का, जहाँ उसकी आग आ रही होती है सबसे आउटर, उसी को कहते हैं कोरोना। हम वहाँ से उस आग को टक से छू करके पता करेंगे कि क्या चल रहा है। मेरे हिसाब से तो आदित्य L1 जो है वो इसरो का सबसे बड़ा मिशन होने वाला है, क्योंकि वहाँ तक पहुँचना अपने आप में एक बड़ी बात हो जाएगी। अगर वहाँ पहुँच करके एक भी बार डेटा आपने भेज दिया तो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। ये चीज़ अभी बहुत ज़्यादा देश नहीं कर पाए हैं, तो अगर भारत ऐसा कर पाता है तो अपने आप में बहुत बड़ा कीर्तिमान साबित होगा। इसके बाद अगर हम दूसरे मिशन की बात करें तो चंद्रयान 3 यानी कि अगेन चंद्रमा जो है वो मून को कहा जाता है, तो हमें पता है मून तक जाने का कोई मिशन, उसे चंद्रयान कहेंगे। तो चंद्रयान 3 भेजा जा रहा है, जैसा कि हमें पता है चंद्रयान 2 जब भेजा गया था तो उसका जो विक्रम लैंडर था वो किसी वजह से फेल हो गया था और हम ठीक से उसके दूसरे साइड पहुँच नहीं पाए थे। एक बार फिर से वही अटेम्प्ट किया जा रहा है, इस बार ज़्यादा प्रिसाइजली किया जाएगा। और ये जो मिशन है हमारा, ये जुलाई 2023 में पूरा किया जाएगा, मतलब अगेन एक और मिशन जो कि 2023 में आने वाला है। और अगर ये सब कुछ एक्सपेक्टेड डेट से, और चूंकि इंडियन गवर्नमेंट है तो अगर इस हिसाब से ये लोग सब कुछ सही से कर पाते हैं तो हमें कुछ बड़े बड़े स्पेस इवेंट्स मिशंस देखने को मिलेंगे इस साल। सो गेट रेडी फॉर दैट। मैं आप लोगों को बता दूं कि इसी साल एक और mid-2023 के अंदर भेजा जा रहा है गगनयान 1, और गगनयान 2 भेजा जाएगा। एक्सपेक्टेड है कि 2023 या 2024 के अंदर ही गगनयान 2 भी भेजा जाएगा। ये जो दोनों मिशन है ये बिना किसी ह्यूमन के स्पेस में बस सैटेलाइट भेज के घुमाया जाएगा और चेक किया जाएगा क्या ये सक्सेसफुल हो पाते हैं। यहाँ खास बात ये है कि अगर ये इसमें पॉसिबल इसको कर पाते हैं तो नेक्स्ट टाइम ये भेजेंगे गगनयान 3, जो कि एंडिंग ऑफ 2024 या फिर 2025 के स्टार्टिंग में भेजा जाएगा, और इसमें भेजे जाएंगे कुछ लोग। और अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो इंडिया चौथा ऐसा देश बनेगा, चौथा, सिर्फ चौथा देश
जो कि अपने अकेले के बलबूते पर स्पेस में अपने आदमियों को अपने यहाँ से कुछ ह्यूमंस को भेज पाएगा। अभी तक इससे पहले सिर्फ सोवियत यूनियन, चाइना और अमेरिका ही ऐसा कर पाए हैं, अब कर पाएगा इंडिया अगर इनका गगनयान 1 और 2 सक्सेसफुल होता है। तो हमारे पास अब तक 3 से 4 ऐसे इवेंट्स आ चुके हैं जो जस्ट एक साल के अंदर फेब 2023 से लेके फेब 2024 के अंदर 4 बड़े बड़े स्पेस मिशन हमें देखने को मिलेंगे इसरो के अंदर, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सब सक्सेसफुल हो जाए ताकि हम अपने कीर्तिमान को साबित कर सके, स्थापित कर सके। इसके अलावा शुक्रयान 1 और मंगलयान 2 भेजा जा रहा है। मंगलयान यानी कि जो मार्स ऑर्बिटर जो हमें मार्स मॉम भेजा गया था धरती से 2014 में, आई थिंक 13 या 14 के अराउंड, जिसमें हमें काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी जिसके बारे में हमने बात करी, उसी की जगह एक और भेजा जाएगा। वो तो अभी काम कर ही रहा है, एक और मंगलयान भेजा जाएगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये भी 2024 के अंदर ही भेजा जाने वाला है, और ये जो है ये भी अगेन वही सेम मिशन लेकर के जाएगा, और ये भी सिर्फ एक्सप्लोर करने जाएगा मार्स के सरफेस पे। और शुक्रयान 1 की अगर हम बात करें तो शुक्र विनस को कहते हैं, यानी कि हम विनस पे भी अपना एक सैटेलाइट भेज रहे हैं। हालांकि आप सभी को पता होगा कि विनस काफ़ी ज़्यादा डेंस है और वहाँ पे 97% कार्बन डाइऑक्साइड है, इस वजह से भी और बहुत ज़्यादा डेंस है, तो वहाँ सरफेस पे उतार पाना अभी तक किसी भी हमारे जो स्पेस मिशन चाहे नासा हो या कोई भी हो उनके लिए पॉसिबल नहीं हुआ है। पर देखते हैं क्या इस बार हम इस चीज़ को कर पाते हैं, और क्या इंडिया जो उसके एटमोसफियर में जाने वाला है तो क्या ये सक्सेसफुली जा पाएगा या नहीं। तो अगर ये जा पाते हैं तो ये वीनस के एटमॉस्फेयर को एकदम क्लोजली बहुत ही करीब से और अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो शुक्रयान 1 है ये भी दिसंबर 2024 के अंदर, यानी कि सिर्फ 2023 और 2024 के अंदर अंदर बहुत सारे स्पेस मिशंस होने वाले हैं इसरो के द्वारा, और आई होप कि ये सारे सक्सेसफुल होंगे ताकि हम वर्ल्ड में हो सकता है बेस्ट ना बन पाए, नंबर 1 ना बन पाए, पर टॉप 3 के अंदर जरूर आएंगे। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।